हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इसका फुल डिटेल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज, चाहे वो साइंटिस्ट रिलेटेड वैकेंसी, चाहे वो आपका एमएससी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वैकेंसीज, तो इन सबकी वैकेंसीज को मैं यहाँ पर रेगुलरली डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सी एस आई जे आर एफ हो, आई सीमा जे आर एफ हो, डी बी टी जे आर एफ हो, गेट हो, नीट हो या एम एस सी बी एस सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो उससे रिलेटेड मैं बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं रेगुलरली वीडियोज़ को बनाया करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर आपको लाइक जॉब से रिलेटेड वीडियोज और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन दोनों से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर रेगुलरली देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं पोजीशंस पे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आया है, तो आपको बस टाइप करना है गूगल पे cup.edu.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको जो है इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 7 सितंबर 2021 हो। एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, यहाँ पे लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो स्टार्ट होगा 11 सितंबर 2021 से, ठीक है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर 2021। तो जैसे आप जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए पूरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कितनी वैकेंट पोजीशन है और साथ ही साथ कितना रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जो है किस कैटेगरी में कितनी पोजीशन है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है और यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नॉर्मल जो यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग जो ग्रेड पे वो सारा मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर के लिए आपको पे लेवल 14 दिया जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको पे लेवल 13A दिया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे लेवल 10 आपको दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटेशन साइंस, बॉटनी, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए हम वैकेंसीज को निकाला गया है। और यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों कैटेगरी में वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसी वो सारा मेंशन कर रखा है। बॉटनी में जो है 1 वैकेंसी अनरिजर्व है, यानी कि जनरल में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करना है। इन्होंने मेंशन कर रखा है डोंट सेंड हार्ड कॉपी अप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बस आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है अपना अप्लीकेशन फॉर्म का, उसको अपने पास रखा है फ्यूचर इसमें रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, तो आपको यहाँ पीएचडी जो है मैंडेटरी होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है। तो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर पीएचडी मैंडेटरी होना चाहिए तो वो लाइक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 सितंबर 2021 से और जो लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2021 है। और ये सारी जो पोस्ट है ये जो है आपकी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है आपको जो भी प्रिफर लाइक आपको रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको रिलैक्सेशन ले रहे हैं या रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एस सी या एस टी ओ बी सी एन सी एल बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप उस कैटेगरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो आपका लाइक सर्टिफिकेट होना चाहिए शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2021 का होना चाहिए या 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मे बी या प्रेजेंटेशन सेमिनार इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है मेनली वो आपका मे बी ए पी आई इंडेक्स की बेस पे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ए पी आई इंडेक्स होगा, उसके बाद मे बी आपको प्रेजेंटेशन या रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि आपका जो प्रोसेस सिलेक्शन का वो क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपीज़ पर ईच पोस्ट। तो अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट सेपरेट जो है एप्लीकेशन फी को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी या वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी जो है वो पे नहीं करनी है।
ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपका पे ग्रेड जो है लाइक पूरा आपका डिस्कस कर लिया कि आपको पे ग्रेड क्या दिया जाएगा, और हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हो। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म सर्टिफिकेट मेंशन कर रखा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म का फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने फॉर्मेट मेंशन कर रखा है ऐसे, अगर आप PWS कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ऐसे ही है। आप जो है देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ फी टू बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि अगर आप जो है रिफंड अपना फी रिफंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इस टाइप का फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लाइक पार्ट्स लाइक दे रखे हैं कि आपको क्या क्या जो है वो चीज़ चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिंक पे अभी जैसे आप क्लिक करेंगे, लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आई थिंक हाँ, तो इन्होंने देखिए ऑलरेडी जो है ये आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 7 सितंबर, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्लियरली और मैंसन कर रखा था, आई थिंक मे बी लिंक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लिंक जो है वो ऑलरेडी क्लिक हो रहा है ना, तो मे बी लिंक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर देखिए लिंक इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो आप अगर लाइक इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई करने के लिए तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लिंक क्योंकि एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लिंक विल बी गो लाइव ऑन 11 सितंबर। देखिए इन्होंने 11 सितंबर मेंशन कर रखा है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 सितंबर को लाइक स्टार्ट होगा, लेकिन इन्होंने जो है 7 सितंबर को ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट सारा चीज़ें जो है पे मांग रहा है, ठीक है। तो आप या तो इसे फिलअप करके रख लीजिए, और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइक अभी आप भर सकते हैं तो अभी भर सकते हैं, क्योंकि जितना लेट आप भरेंगे तो उतना जो है लाइक जो सर्वर है वो बिजी हो सकता है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं और कि नहीं। लास्ट डेट ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, ठीक है, करेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में आप अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब स्पेशल रिक्रूटमेंट, तो देखिए ये जो फॉर्म है वो मोस्टली लाइक जो निकाला गया वो स्पेशल रिक्रूटमेंट में निकाला गया, SC ST OBC EW PWD कैटेगरी में भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितनी पोजिशन रिजर्व कैटेगरी में जो है वो लाइक अभी फिल नहीं हुई, तो ये मोस्टली उन लोग के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर ड्राइव फॉर SC ST OBC EWD PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।